राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली के मौके पर बोनस देने का फैसला लिया है। सीएम अशोक गहलोत के इस फैसले से प्रदेश के करीब 6 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। बोनस का ये पैसा गैजेटेड अधिकारियों को छोड़कर बाकी राज्य कर्मचारियों को दिया जाएगा, जो कर्मचारी राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के पे मैट्रिक्स लेवल 12 या ग्रेड पे 4800 और इससे नीचे लेवल की तनख्वाह ले रहे हैं, उन सभी को बोनस मिलेगा। पंचायत समिति, जिला परिषद के कर्मचारी और कार्य प्रभावित कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाएगा। बोनस की कैलकुलेशन साल 2021-22 के लिए अधिकतम पर्क्स 7000 रुपये और 31 दिन के महीने के आधार पर की जाएगी। ये बोनस 30 दिन के पीरियड के लिए दिया जाएगा। हर कर्मचारी को अधिकतम 6774 रुपये बोनस का पैसा मिलेगा। इसमें 75% कैश दिया जाएगा और 25% GPF खाते में जमा किया जाएगा। राजस्थान सरकार पर इस बोनस का 500 करोड़ रुपये वित्तीय भार आएगा। गहलोत सरकार ने करीब 6 लाख कर्मचारियों को पिछले साल भी दिवाली पर बोनस दिया था। उस दौरान भी गेजेटेड अफसरों को छोड़कर पे मैट्रिक्स लेवल 12 या पे ग्रेड 4800 और इससे नीचे लेवल का वेतन ले रहे कर्मचारियों को 6774 रुपये तक का बोनस दिया, लेकिन साल 2021 की दिवाली पर बोनस का 50% पैसा नगद और 50% पैसा कर्मचारियों के GPF खाते में जमा किया गया था। इस बार 75% नगद दिया जाएगा और 25% GPF में जमा होगा।